हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सातवें पाठ का जिसका नाम है महिला आश्रम, इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। तो इन्होंने इस पाठ में एक पत्र का स्वरूप दिया गया है, प्रारूप दिया है। तो उस पत्र में उन्होंने देखिए कि कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत व निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति और लेखक के जो कुछ भी महिला के संदर्भात विचार थे वो इस पत्र के द्वारा स्पष्ट होते हैं। तो चलिए इस पाठ के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें से पहला तालिका पूर्ण कीजिए। तो उत्तर देखिए गुलदाउदी की विशेषता। पहला, इसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं। दूसरा, कलियां होठों को सी कर बैठ जाती है। तीसरा, जब खेलने लगती है तब एक पंखुड़ी खेलती है। अगला, इसके फूल बहुत दिनों तक टिकते हैं। दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए। उसमें से पहला, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगवा कर रखा। उत्तर, क्योंकि वे तारों के नक्शे बनाना चाहते हैं। अगला, लेखक ने फूल के गमले अपने पास निकाल दिए, तो क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 में से पहला, जिन्हें ता प्रत्यय लगता हो तो ऐसे शब्द पाठ में से ढूंढकर उन अप्रत्याशित शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर देखिए, शब्द प्रत्यय, प्रत्यय साबित शब्द। शब्द है मानव, प्रत्ययता, प्रत्यय साबित शब्द मानवता। आवश्यक, आवश्यकता। उत्कट, उत्कटता। एक, एकता। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें से उत्तर देखिए, आश्रम के नियम क्या क्या थे। पहला नियम यह था कि आश्रम की व्यवस्था में किसी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। अगला, आश्रम से संबंधित विज्ञापन अखबार में नहीं देना चाहिए। तीसरा, आश्रम की व्यवस्था के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। चौथा, जो महिला आश्रम में दाखिल होगी वह स्वयं अपने खाने पीने व कपड़े लत्ते का प्रबंध करेगी। पांचवा नियम, कि पूरी पहचान व परिचय के बिना किसी को भी आश्रम में दाखिल न किया जाए। छठा, दाखिल हुई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। अभी हमें अभिव्यक्ति के संदर्भ में एक प्रश्न दिया गया है, वह भी हम देखने वाले हैं। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इस कथन पर अपना मत लिखिए। तो उत्तर देखिए, पत्र लेखन एक कला है। पत्रों का हमारे जीवन में सदैव महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। कई महापुरुषों द्वारा लिखे गए पत्रों से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। महापुरुषों द्वारा लिखे गए पत्रों के अनुभव का भंडार भरा हुआ होता है। ऐसे पत्र हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। रिश्तेदार एवं मित्रों को लिखे गए पत्रों में एक अपनापन होता है, मिठास होती है। व्यक्ति पत्र लिखते समय अपने मन के भावों को भी उसमें उतरता है। पत्र दो व्यक्तियों की भावनात्मक दृष्टि से बांध देता है। कहां भी गया है कि पत्र किसी की भाषा में लिखा जाए, उसमें छिपा प्रेम एक होता है। इसीलिए हर व्यक्ति पत्रों को संभाल कर रखता है। यदि व्यक्ति अपने पद व प्रेम की भावना को बनाए और संजोए रखना चाहता है तो उसे पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रखना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा स्वाध्याय तो खत्म होता है, लेकिन हम इस पाठ का जो कुछ भी भाषा बिंदु है वह देखने वाले हैं। तो भाषा बिंदु में पहला सवाल, इन शब्दों से बने मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग, आग दिखाना, गुस्सा होना। वाक्य, यदि अजय को कोई कुछ काम के लिए कहता है तो वह तुरंत आग दिखाता है। अगला मुहावरा, आग का तारा होना, बहुत प्रिय होना। हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। अगला देखिए मुंह, इसमें से पहला मुहावरा, मुंह ताकना, दूसरों पर आश्रित होना। वाक्य, आलसी लोग काम के लिए हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। अगला मुहावरा, कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना। वाक्य, अचानक बिजली चले जाने से मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसमें से अगला है दांत। तो पहला मुहावरा, दांत खट्टे करना, लड़ाई में हारना।
पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए। अगला, दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना वाक्य जादूगर का जादू देख कर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला अवयव है हाथ। अपनी जान से हाथ धोना यानी मरना वाक्य हाईवे पर गाड़ी ज्यादा तेज चलाने वाले पर कई लोग अपनी जान हाथ से धो चुके हैं। अगला, दाहिना हाथ होना बहुत बड़ा सहायक होना। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के दाहिने हाथ थे। अगला अवयव हृदय। इसमें से पहला, हृदय रो पड़ना अत्यधिक दुखी हो कर रोना वाक्य इकलौते बेटे की मृत्यु पर माँ का हृदय रो पड़ा। अगला मुहावरा है हृदय से लगाना गले लगाना वाक्य ससुराल जाते समय माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा, मरने से पहले एक एक के घर जाना, भूल चूक के लिए माफी मांगना। और इस तरह से हमारे इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस संपूर्ण स्वाध्याय में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी संदेह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है उस पर भी आप मैसेज के स्वरूप में पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इसी तरह से अलग अलग वीडियो देखते रहे। अगर आपको हमारे लाइव क्लास अटेंड करने हैं तो आपको हमारा जो कुछ भी दूसरा चैनल है जिसका नाम है गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह से अगले पाठ कविता और इससे पहले के पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पे आपको कक्षा 10वीं हिंदी संपूर्ण पाठ और संपूर्ण स्वाध्याय इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिलेंगे। तो सभी वीडियोस देखिए, उनके बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ, अगले स्वाध्याय के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।